दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। डॉक्टर त्रियन, बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है। मैं आपको कल दिल्ली सरकार की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चर्चा में लाना चाहूंगी, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने आकर कहा कि प्लाज्मा थेरेपी हमारे यहां रंग ला रही है। हालांकि दुनिया के कई देशों में हमने देखा था, देश में भी कई दूसरे हिस्सों से आया था, इसीलिए डोनर्स को ढूंढना शुरू हो गया था। प्लाज्मा थेरेपी कितना निर्णायक रहेगा डॉक्टर त्रियन? आईपैड जो इसकी बेसिस है वो तो काफी साउंड है कि अगर जो किसी को ये एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं क्योंकि उनको इन्फेक्शन हुआ था और सर्वाइव कर गए, तो वो एंटीबॉडीज को किसी और पेशेंट को देने के लिए जिसको जरूरत है, जो बीमार हो रहा है, उससे फायदा हो सकता है। थ्योरेटिकली ये तो बात सही है। अब जब भी हमारी कोई मेडिकल थ्योरी होती है उसको टेस्ट करने के लिए कई तादाद में उसको यूज करना पड़ता है तो पता लगे कि कितने लोगों को फायदा हुआ, कब फायदा हुआ। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे को आती है हेल्थ केयर में कि हम अगर जो इस थेरेपी को वेट करेंगे जब तक पेशेंट बहुत ही बीमार हो गया, तो इसकी एफिकेसी हो सकती है कि इतनी ना हो। तो हमें वो विंडो ढूंढनी है कि किस विंडो में हमें लोगों को ये प्लाज्मा थेरेपी देनी चाहिए। उससे पता लगेगा कि इसका कितना असर हुआ और कितने लोग रिकवर हुए, और जो सीरियसनेस की तरफ जा रहे थे, जिनके लंग्स को ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ पर वो वेंटिलेटर पे नहीं पहुंचे अभी, तो उनको हमने वेंटिलेटर से बचाया, कि क्या इसकी एफिकेसी है। तो ये होना तो चाहिए और इसके ऊपर बहुत काम होना है। मेरे को ये भी लगता है कि डोनर्स बहुत विलिंग होंगे कि वो अगर जो उनसे हम कहेंगे कि आप डोनेट करो, तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो रिकवर हुए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इस लॉकडाउन का जो बैड इफेक्ट क्या हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था कि पेशेंट्स को तकलीफ हो रही है। जो हमने बंद किया था इलेक्टिव सर्जरीज वगैरह, इलेक्टिव ट्रीटमेंट जो बंद किया था, उससे क्या हुआ है, वेट करते 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 कई लोग सीरियस हो गए हैं। कुछ लोगों की जान भी चली गई जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके, या जिनको हार्ट प्रॉब्लम थी या कैंसर। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक तो पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि अब वेट कर करके आप इतना मत वेट करें। हॉस्पिटल्स खुले हैं, हॉस्पिटल्स अब कोविड हॉस्पिटल्स बन गए हैं, तो डरे नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल्स अब जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर पूरी ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर काम कर रहे हैं। अगर जो आपको तकलीफ है तो आप जाएं, अगर जो आपको आप कहीं लॉकडाउन एरिया में है तो हम, क्योंकि जैसे क्रॉस बॉर्डर करना होता है तो हम प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं, उसका पुलिस फोर्स भी आदर कर रही है और पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स पहुंचने को की सुविधा दे रही है। तो इसीलिए ये ना हो कि और लोगों की जान जाए, क्योंकि ये हो सकता है कि हमें और भी लॉकडाउन को एक्सटेंड करना पड़े, पर जो पेशेंट्स जिनको तकलीफ है, जिनको ट्रीटमेंट चाहिए, उनको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये भी हमने बहुत सुना है कि डर के मारे लोग फ्रीज हो गए हैं घर के अंदर और अपनी ट्रीटमेंट नहीं करा रहे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जब पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी डॉक्टर त्रियन, तो उस समय उन्होंने कहा था कि अगर आप ऐसी बीमारी है या ऐसी सर्जरी चाहिए जो कुछ दिनों के लिए आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसे कीजिए। आपका कहना है कि वो दौर अब निकल चुका है और अब हॉस्पिटल्स बाकी मर्ज के लिए भी, बाकी बीमारियों के लिए भी अब पूरी तरीके से, जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरीके से मरीजों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे कैंसर है, कैंसर तो ग्रो करता जाएगा, हार्ट डिजीज ग्रो करती जाएगी, जिसको कोई और बीमारी है, लंग प्रॉब्लम है, कुछ भी है, एस्मा है जो ट्रीट पूरा नहीं हो रहा, उनको सबको अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। अब रुक के अपना नुकसान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो चार हफ्ते तो निकल गए। अब ये है कि हॉस्पिटल्स में भी हमें पता लग गया कि कैसे पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें डॉक्टरों को भी कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये बातें जो चार हफ्ते में डेवलप हुई है, इससे फायदा है। और वो जो पुरानी प्राइम मिनिस्टर जी ने बात कही थी, सही बात कही थी कि जो चीज पोस्टपोन हो सकती है उसको करें, तो जो हो सकती है, जो क्रॉनिक मतलब पर जिसकी क्रॉनिक डिजीज अब एक्यूट हो रही है, जैसे अब डायलिसिस वालों पेशेंट्स को काफी, ये कल ही आंकड़ा आया कि 9 पेशेंट्स की डेथ हो गई क्योंकि वो डायलिसिस उनको नहीं मिल रहा था, वो पहुंच नहीं सकते थे हॉस्पिटल में। गॉल ब्लैडर किसी का था जिसकी सर्जरी होनी थी, उसमें इन्फेक्शन हो गई तो उनको सेप्सिस हो गया। ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी आ रही हैं पब्लिक से, तो हार्ट अटैक हुए, लोगों को हार्ट अटैक हुए, कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो इसमें बहुत मतलब ये भी प्रॉब्लम हो रहा है जिसको हमें डील करना है।